बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है सौंफ के हैरतअंगेज़ फ़ायदे। ये बच्चों के कई अमराज में मुफीद है, इसलिए सौंफ हर घर में रखनी ज़रूरी है। दूध में सौंफ पकाकर बच्चों को पिलाने से पेट की दर्द और गैस के लिए इंतहाई मुफीद है। आजकल छोटे बच्चों में निगाह की कमज़ोरी बहुत हो रही है, इसलिए सौंफ के कुछ दाने बच्चों की जेब में डाल दें ताकि चलते फिरते वो सौंफ के दाने खा सकें और निगाह की कमज़ोरी से निजात हासिल करें। सौंफ मैदे को ताकत देती है। इसके अलावा सौंफ एक चम्मच सुबह खाने से निगाह तेज़ रहती है। इसके अलावा पुराने से पुराना नज़ला ज़ुकाम और एक चम्मच सौंफ और 11 गिरी बादाम की खाने से पुराना नज़ला ठीक हो जाता है और सौंफ खाने से दिमाग में तरी आती है। इसके फौरन बाद चाय, पानी या दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का मिजाज़ ख़राब रहता है और असहाल की वजह से जिस्म निडाल हो जाता है। वो लोग जो कुछ भी थोड़ी सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं पेट में दर्द हो जाता है। उन्हें चाहिए कि सौंफ में थोड़ी सी चीनी मिलाकर एक चम्मच सुबह और एक शाम इस्तेमाल करें। इससे आपका हाजमा भी दुरुस्त होगा और पेट की दर्द से और गैस से भी निजात मिलेगी। सौंफ का पानी उबाल कर बच्चों को पिलाने से पेट की कई बीमारियों से निजात मिलती है। मसलन पेट में गैस, बदहजमी, हाजमे की खराबी या उल्टी, इसके लिए इंतहाई मुफीद है। सौंफ आम बाज़ार में दस्तयाब है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।